देखो, अगर आपका बजट 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए के बीच में है, लेकिन आपको अच्छी कार चाहिए जिसके अंदर आपको पेट्रोल इंजन चाहिए या फिर कंपनी फिटेड सीएनजी किट चाहिए, ऐसी कार अगर आप ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प आउट करने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज मिलेगा, अच्छे खासे इंटरनल फीचर्स मिलने वाले हैं, लेकिन इन कारों की प्राइस रेंज आपको 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगी। तो इस प्राइस रेंज में अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प आउट करने वाला है एक अच्छी कार को पिकअप करने के लिए। जो सबसे पहली कार आती है जो कि आप 2022 में कंसीडर कर सकते हैं, वो है निसान की मैग्नाइट। हालांकि ये एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट यूएसवी कार है और आज के डेट में इस कार को काफी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। ग्लोबल एनकैप में इस कार को 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं सेफ्टी में, तो सेफ्टी के हिसाब से भी ये कार काफी अच्छी है और इसका लुक काफी जबरदस्त है। हालांकि इसका फ्रंट फिनिश काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और रियर से मैग्नेट दिखने में काफी ज्यादा कूल लगती है। इसके इंटीरियर में आपको कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और निसान कंपनी ने इस कार के अंदर 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का यूज किया हुआ है, जिसकी मदद से यह कार लगभग 98 bhp की पावर आउटपुट और 152 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाती है। तो यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशन आपके सामने है। अगर आप निसान मैग्नेट को परचेस करना चाहते हो लेकिन अगर आपका बजट 7 लाख रुपए के आसपास है तो आप इसके बेस मॉडल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसके बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस रखी है 5.76 लाख रुपीज और इसकी ऑन रोड कीमत 6.96 लाख रुपीज तक चली जाती है। यानी लगभग 7 लाख रुपए के आसपास आपको निसान मैग्नेट के बेस मॉडल के लिए देने पड़ेंगे। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से निसान मैग्नेट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है, क्योंकि निसान की मैग्नेट लगभग 18 kmpl से लेकर 20 kmpl का माइलेज दे देती है। वही जो सेकंड नंबर की कार आती है जो कि 2022 में आप कंसीडर कर सकते हैं, वो है टाटा की एंट्री लेवल हैचबैक कार टियागो। हालांकि इसको भी सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और टाटा की हर एक कार की बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी रहती है, लेकिन टियागो के अंदर आपको पेट्रोल इंजन इसके अलावा सीएनजी किट भी देखने को मिल जाएगा कंपनी फिटेड। रिसेंटली टियागो का सीएनजी मॉडल इंडिया में लॉन्च हो चुका है। अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो टियागो का एक्सी वेरिएंट से लेकर एक्सटी मॉडल आप ले सकते हैं 7 लाख रुपए के बजट के अंदर। आप एक्सटी मॉडल को भी कंसीडर कर सकते हैं जिसकी प्राइस आपको पड़ेगी 6.29 लाख रुपीज ऑन रोड कीमत। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप टियागो के XM वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं जिसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 25,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे XZ मॉडल को लेने के लिए, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़े से एडिशनल फीचर्स मिलने वाले हैं। और ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है ये पेट्रोल मॉडल की प्राइस है, वही टियागो के अंदर जो सीएनजी मॉडल आता है वो है एक्सी वेरिएंट जो कि बेस वेरिएंट है, उसको लेने के लिए आपको लगभग 6.89 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे। उसी के साथ अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप टियागो के XM वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं जिसके अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 7.22 लाख रुपीज। यानी 22,000 रुपए आपको ऊपर देने पड़ेंगे सीएनजी किट वाले मॉडल को लेने के लिए जो कि XM वेरिएंट है टियागो का। हालांकि टाटा की टियागो 20 km/l से लेकर 27 km/kg का माइलेज देती है। अगर आप इसके सीएनजी मॉडल के साथ जाओगे तो आपको लगभग 27 km/kg का माइलेज मिल जाएगा। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जो कि 2022 में आप कंसीडर कर सकते हैं, वो है रेनॉल्ट की ट्राइबर। हालांकि रेनॉल्ट की ट्राइबर एक 7 सीटर MPV कार है, इसको भी सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और अगर आपको लॉन्ग जर्नी के लिए एक अच्छी कार लेनी है इस प्राइस रेंज में तो रेनॉल्ट की ट्राइबर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। 7 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं इस कार के अंदर। इसका लुक भी काफी अच्छा है और इसकी कीमत काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। हालांकि रेनॉल्ट ट्राइबर के अंदर 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का यूज किया हुआ है, जिसकी मदद से ट्राइबर लगभग 71 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाती है। अगर मैं इसके वेरिएंट की बात करूं तो रेनॉल्ट ट्राइबर का आप बेस मॉडल ले सकते हैं, उसकी एक शोरूम प्राइस रखी है 5.69 लाख रुपीज और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 6.58 लाख रुपीज तक चली जाती है। यानी लगभग 6.5 लाख रुपए के ऊपर आपको ऑन रोड कीमत देनी पड़ेंगी रेनॉल्ट ट्राइबर के बेस मॉडल को लेने के लिए। तो डेफिनेटली आप इस मॉडल के साथ जा सकते हो। अगर आपको एडिशनल फीचर्स चाहिए तो आप उनको एज एक्सेसरीज भी लगवा सकते हैं, वहां पर आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। वही अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाते हो, लाइक 40,000 रुपए अगर आप अपना बजट बढ़ाते हो तो आप इसका RXL वेरिएंट भी ले सकते हैं, जिसको लेने के लिए आपको 7,40,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। हालांकि RXL मॉडल के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन रेनॉल्ट की ट्राइबल लगभग 18 kmpl से लेकर 19 kmpl का माइलेज दे देती है। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है जो कि आप 2022 में कंसिडर कर सकते हैं, वह है रेनॉल्ट की क्विड या फिर रेनॉल्ट की काइगर। हालांकि दोनों ही कारें काफी बढ़िया है, लेकिन
यहाँ पर पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा रेनॉल्ट की काइगर, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलेंगे इंटीरियर में और इसका एक्सटीरियर लुक काफ़ी बढ़िया है। रेनॉल्ट की काइगर एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार है जिसको सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले हैं और इसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे। दोनों ही कारों के अंदर आपको 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन क्विड के अंदर आपको एडिशनली 0.8 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों ही कारों की कीमत आपको थोड़ी सी अलग अलग देखने को मिल जाएगी। क्विड के लिए आपको थोड़े से कम पैसे देने पड़ेंगे, वही काइगर को लेने के लिए आपको थोड़े से एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको रेनॉल्ट क्विड को लेना है 2022 में तो आप इसके टॉप मॉडल के साथ भी जा सकते हो, जिसको लेने के लिए आपको 6.75 लाख रुपीस देने पड़ेंगे ऑन रोड कीमत, और इस वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो क्विड का टॉप मॉडल आपको मिल जाएगा 6,75,000 रुपए के अंदर। वही अगर आपको रेनॉल्ट की काइगर लेनी है इस प्राइस रेंज में तो आप इसके बेस मॉडल के साथ जा सकते हो, इस मॉडल को लेने के लिए आपको 6.69 लाख रुपीस देने पड़ेंगे ऑन रोड कीमत। हालांकि यहाँ पर ऑन रोड कीमत आपकी सिटी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ सिटीज में ऑन रोड कीमत थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ती है, कुछ सिटीज में ऑन रोड कीमत थोड़ी सी कम देनी पड़ती है। आपको भी किसी कार की ऑन रोड कीमत जाननी है आपकी सिटी के हिसाब से तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वही जो लास्ट कार आती है जो कि आप 2022 में कंसिडर कर सकते हैं वो है मारुति सुजुकी की अल्टो। हालांकि अल्टो मोस्ट सेलिंग कार है, मतलब इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, इसके सेल्स काफी तगड़े होते हैं पूरे इंडिया में। अल्टो के अंदर आपको पेट्रोल इंजन, इसके अलावा कंपनी फिटेड सीएनजी किट भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से अल्टो 22 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 32 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देती है। यानी अगर आप अल्टो के सीएनजी मॉडल के साथ जाओगे तो अल्टो आपको लगभग 32 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देने वाली है। लेकिन अल्टो का न्यू जनरेशन मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, उस मॉडल के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको करंट मॉडल लेना है तो डेफिनेटली आप करंट मॉडल को चूज कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज के हिसाब से आप अल्टो के टॉप मॉडल के साथ जा सकते हो पेट्रोल इंजन के साथ, जिसका नाम है VXi प्लस, और इस मॉडल को लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 5,03,000 रुपीज, ये ऑन रोड कीमत मैंने आपको बताई है। वही अगर आप CNG किट के साथ जाते हो तो इसका LXi ऑप्शनल वेरिएंट आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको CNG किट मिलने वाली है कंपनी फिटेड, और इस वेरिएंट को लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 5.53 लाख रुपीज। तो यहाँ पर अल्टो के प्राइजेस आपके सामने हैं। तो ये 5 कारें थी जो कि आप 2022 में कंसिडर कर सकते हैं। इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट कार है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इसका पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, उसके अंदर मैं बाकी कारों को कवर करने वाला हूँ। हालांकि इसी वीडियो के अंदर मैं उन सभी कारों को कवर कर लेता, लेकिन इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, तो इसलिए इस वीडियो के मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगा। अगले वीडियो के अंदर बाकी कारों को कवर करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।